आपका स्वागत करता हूं दोस्तों हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के वीडियो में दोस्तों हम बनाएंगे होले का ग्रुप पोस्टर दोस्तों, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ इस तरह का हम होले का दोस्तों ग्रुप पोस्टर बनाएंगे और आपको सिंपल पोस्टर बनाना है जो कि होली का है। तो आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो मैंने कल अपलोड किया था, उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों। और अपना सिंपल पोस्टर भी आप बना सकते हैं होली का, जिसकी लिंक आपको हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो को हम बात कर लेते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे होली का एक ग्रुप पोस्टर बनाना, साथ में आपको इसकी PLP फाइल बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मैं अपने पिक्सेल लैब ऐप को दोस्तों ओपन कर लेता हूँ। PLP फाइल पर पासवर्ड लगा हुआ आपको दो स्टेप में वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को दोस्तों हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं अपने पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लेता हूँ। पिक्सेल लैब ऐप दोस्तों मैंने ओपन कर लिया। अब सबसे पहले हमें पोस्टर को क्रिएट करने के लिए बैकग्राउंड ऐड करना है। तो बैकग्राउंड को ऐड करने के लिए आपको क्या करना होगा, थ्री डॉट पर यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है और आपको एक ऑप्शन मिलेगा यूज इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ से अपना बैकग्राउंड ऐड होगा दोस्तों। इस पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपको बैकग्राउंड ऐड दोस्तों कर लेना है, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस बैकग्राउंड की आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो इस बैकग्राउंड को हम ओके कर लेते हैं, यहाँ से ये ऐड हो जाएगा। इस न्यू टेक्स्ट को आपको डिलीट कर लेना है एक बार के लिए, ठीक है। अब इसके ऊपर हमें टेक्स्ट PNG अपने PNG हम इसके ऊपर सेट करेंगे, ठीक है, इस बैकग्राउंड के ऊपर। और अपने पोस्टर को हम क्रिएट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो PNG को ऐड करने के लिए आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। और फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले आपको ये वाली PNG ऐड करनी है, जो कि एक फ़ोटो फ्रेम है। इसके ऊपर अपने दोस्तों की फ़ोटो आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसको सही से एडजस्ट करने के लिए आपको इस बीच वाले बिंदु पर टैप करना है और इस पर आपको रिलेटिव साइज़ वाले ऑप्शन बजा के यहाँ से इसको फुल कर लेना है, यहाँ से शो कर लेना, ठीक है। ओके कर देना है। लेयर पर जाके आपको लॉक कर लेना, ठीक है, यहाँ से, ताकि ले नहीं। अब दोस्तों दोबारा से हमें अपनी अगली PNG को ऐड करने के लिए दोबारा से आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और कुछ इस तरह से जो होली की हार्दिक शुभकामना वाली टेक्स्ट PNG है उसको आपको ऐड कर लेना है। तो इस PNG को दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं, होली की हार्दिक शुभकामना है टेक्स्ट PNG। तो ओके कर लेंगे यहाँ से और रिलेटिव साइज बजा के इसे सही से एडजस्ट यहाँ पर दोस्तों हम कर लेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से। और लेयर बजा के इसे हम लॉक कर देंगे और अपने नेक्स्ट PNG को दोस्तों ऐड कर लेंगे। सभी PNG आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगी और आपको इसकी PLP फाइल भी बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप डाउनलोड कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट PNG को ऐड कर लेते हैं। तो प्लस पर मैं क्लिक कर लूँगा, यहाँ से फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लूँगा और यहाँ से कुछ इस तरह की PNG को ऐड कर लूँगा, होली हैप्पी होली वाले की। और इसको बिंदु पर यहाँ से खींच लूँगा, यहाँ से इसको सही से यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। और लेयर बचा के इसे लॉक कर लूँगा। अब अपने नेक्स्ट PNG को हम ऐड कर लेंगे। तो प्लस पर मैं दोबारा क्लिक कर लूँगा यहाँ से और फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर लूँगा दोस्तों। और जो कि शायरी है होली की, उस शायरी को यहाँ से मैं ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और रिलेटिव साइज जाके इसे मैं फुल कर लूँगा, यहाँ से शो कर लूँगा। ऑटोमेटिक अपनी PNG एडजस्ट हो जाएगी क्योंकि मैंने इसकी साइज़ के हिसाब से सेव किया दोस्तों, ठीक है। तो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी और लेयर बजा के इसे मैं लॉक कर दूँगा, ठीक है। और दोबारा से अपनी नेक्स्ट PNG को हम ऐड करेंगे। तो प्लस पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से कुछ से इस तरह की जो फुल जड़ी वाली PNG को हम ऐड कर लेंगे और रिलेटिव साइज पर जाके इसे हम फुल कर लेंगे दोस्तों। और लेयर पर जाके इसे हम लॉक कर लेंगे। और दोस्तों अपना पोस्टर लगभग बन के रेडी हो चुका है। अब अपनी जो नेम प्लेट है शुभेच्छक वाली, उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो उस नेम प्लेट को ऐड करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है। और कुछ इस तरह की नेम प्लेट आपको ऐड कर लेनी है। इसको सही से एडजस्ट करने के लिए आपको बता रखा है, रिलेटिव साइज पर जाना है और इसे फुल कर लेना है यहाँ से, ठीक है। और लेयर पर जाके आपको लॉक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर अपना जो भी नाम है तो आपको नाम लिख देना है। और जो भी आपके दोस्तों की फ़ोटो आपको लगानी है तो इन फ्रेम के ऊपर लगा सकते हैं या इसको हटा के भी लगा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो अपना पोस्टर बन के रेडी हो चुका है। इसको सेव करने के लिए आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है और सेव एस इमेज पर क्लिक कर लेना है यहाँ से। और यहाँ पर आपको या तो डिफ़ॉल्ट मिलेगा या कस्टम मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और अल्ट्रा पर जाके यहाँ से सेव टू गैलरी पर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो अपना पोस्टर गैलरी में सेव हो जाएगा दोस्तों। इसकी PLP फाइल एंड PNG की आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगी और जो कि पासवर्ड लगा हुआ है आपको दो स्टेप में वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतने दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है।